نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अजीज साथियों और बुजुर्गों, आज दो अहम मज़ामीन पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रोशनी डालेंगे। हालिया हफ्ते में कौमी असम्बली में एक बिल पास किया गया है ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर। ये बिल क्या है और हकूमत क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है, हकीकत क्या है और इस्लाम में अगर इसका मवाजना किया जाए तो ये इस बिल की शरी हैसियत क्या है, इस हवाले से बात की जाएगी। और दूसरा अहम मसला मसला तौहीद पर भी बात की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इधर आओ, घर में जा, वहाँ ना गुसल खाने में जो मैंने कपड़े उतारे हैं उनमें पैसे भी हैं, पैसे अपने मामा को पकड़ा लो। एक कागज़ का टुकड़ा है, दोनों तरफ लिखा हुआ है, वो लेके आ। दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि मैंने सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखा, एक मकतबा फ़िक्र के आलिम हैं, काफ़ी मारूफ व मशहूर आलिम हैं, उन्होंने हकूमत पाकिस्तान को एक चैनल पर बैठकर ये मशवरा दिया कि भाई हमारी हकूमत जो है ये यहूदो नसारा के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं, इनको चाहिए कि ये लाहौर में जाएं और हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जाकर, क्योंकि वो दाता और गंजबख्श हैं, उनके दरबार पर जाकर भीख मांगें तो पूरी उम्मत पर फैज़ आएगा, सारे कर्ज़े भी उतर जाएंगे, सैलाब भी ख़त्म हो जाएंगे, जलजले और आफतें भी, मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी। ये उस मौलवी साहब ने एक चैनल पर बैठ कर ये बात भी कही है। क्योंकि मैं भी मदरसे का पढ़ा हुआ एक फारिग तालिब इल्म हूँ, तो इसलिए उन मौलवी साहब की बात पूरी सोशल मीडिया पर सुनी जाती है। उनकी इस गुफ्तगू का इस्लाम और कुरान के साथ इंशाअल्लाह आज मवाजना किया जाएगा कि क्या उन्होंने ठीक कहा है या फिर गलत कहा है। ये दो अहम मसले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इन दोनों में से हर दो पर रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट जो बिल पास किया गया है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको बताऊं, ट्रांसजेंडर एक्ट जो बिल है, हकूमत जो कुछ कह रही है, मीडिया जो कुछ बोल रहा है, वकील जो कह रहे हैं, वो सब एक प्रोपोगंडा है। हकीकत में ये बिल ये है कि कोई भी मर्द अपनी जिंस को तब्दील कर सकता है, यानी वो नादरा में जाकर दरख्वास्त दायर कर सकता है कि मैं औरत अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। और इसी तरीके से
कोई भी औरत नादरा में जाकर अपने आप को ये रजिस्टर्ड करवा सकता है कि मैं मर्द बनना चाहता हूँ, तो कानूनी तौर पर मर्द होने का उसको शनाख्ती कार्ड और सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अगरचे हकूमत ये कह रही है कि ये हमने सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए ये बिल पास किया है, लेकिन ये एक नई साजिश और नए झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। दर हकीकत ये बिल हर मर्द और औरत के लिए पास किया गया है। इस बिल की क्या ख़राबियां हैं और शरी हैसियत क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि यह बिल गैर शरी और गैर आइनी है, शरअन इसकी कोई हैसियत नहीं है और अल्लाह की हदें तजावुज़ करने वाली बात है, अल्लाह की हदों को फलांगने वाली बात है और अल्लाह के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बिल क्या है, बिल का जो मज़मून है वो आप अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी मर्द अपने आप को औरत और कोई भी औरत अपने आप को मर्द रजिस्टर्ड करवा सकता है। अब कानूनी तौर पर सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, उसको कोई औरत नहीं कह सकता और उसको कोई मर्द नहीं कह सकता। जिस औरत ने अपने आप को मर्द रजिस्टर्ड करवाया वो मर्द बन जाएगा, और जिस मर्द ने औरत रजिस्टर्ड करवाया वो औरत बन जाएगी कानूनी तौर पर। इसके क्या नताएज सामने आ सकते हैं इंशाल्लाह, मैं इस मज़मून के आखिर पर इस बात के ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले इस बिल को खुदा ताला की लारैब किताब कुरान हकीम की रोशनी में ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है। ये देखें मेरे सामने अल्लाह के कुरान की सूरत रूम है, 21वां पारा है और सूरत रूम की आयत नंबर 30 है। अल्लाह फरमाते हैं, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, फितरत अल्लाह, अल्लाह का एक कानून होता है, अल्लाह की एक फितरत है और फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने हर एक को फितरत के ऊपर पैदा फरमाया, किसी को इंसान बना दिया, किसी को औरत बना दिया, किसी को जानवर और हैवान बना दिया, किसी को इंसान बना दिया, कोई फरिश्ते पैदा किए और कोई जिन्नात पैदा किए, कोई तरी की मखलूकात पैदा फरमाई और कुछ खुशकी की मखलूकात पैदा फरमा दी, उसकी मर्ज़ी है, जो कुछ उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा फरमाया उसको कौन पूछने वाला है। अब ये नहीं हो सकता कि तरी वाली मखलूकात कहें कि हम खुशकी वाली मखलूकात बनना चाहते हैं, चीता कहे कि मैं मगरमच्छ बनना चाहता हूँ और मगरमच्छ कहे कि मैं चीता बनना चाहता हूँ। नाना फितरत अल्लाह, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह की आदत है, उसने अपनी मर्ज़ी और अपने फ़ैसले के मुताबिक और अपनी हिकमत के मुताबिक मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिस तरह चाहा और जिस तरह मुनासिब चाहा पैदा फरमा दिया। ला तब्दील लिखल्किल्लाह, अब अल्लाह की फितरत को कोई भी बंदा तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई मर्द है तो अल्लाह ने अपनी हिकमत, अपनी दनाई और अपने कानून के मुताबिक उसको पैदा फरमा दिया, औरत है तो उसको अपनी हिकमत के मुताबिक पैदा फरमा दिया। जिसको औरत पैदा फरमाया अब वो ये कहे कि मैं मर्द बनना चाहती हूँ तो वो मर्द नहीं बन सकती, और जो मर्द पैदा फरमा दिया वो कहे कि मैं औरत बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो बंदा ऐसा करेगा वो अल्लाह के कानून के साथ बगावत करेगा। समझ आ रही है बात की? ला तब्दील लिखल्किल्लाह,
किसी में जुर्रत नहीं है जो अल्लाह के कानून को बदल सके। जो भी मखलूक अल्लाह ने अपनी तनाई और हिकमत के मुताबिक अपने इल्म और फजल के मुताबिक पैदा फरमा दी, हर एक को अपनी पैदाइश और अपनी असलियत और अपनी फितरत पर खुश होना पड़ेगा। आ गई है समझ बात के नहीं? ला तब्दील लखल्किल्लाह, कोई भी बंदा अपनी खलकत अपनी फितरत को तब्दील नहीं कर सकता। ذلك الدين القيم, यही दीन मजबूत है। ولكن اكثر الناس لا يعلمون, लेकिन अक्सर लोगों का इस बात को इलम ही नहीं। तो क्या समझे हैं आप ट्रांसजेंडर एक्ट की शरी हैसियत कुरान की नज़रों में? कि वा हयात बिल है, अल्लाह के कानून के साथ बगावत है। और इसी तरीके से रब का कुरान है, एक और मकाम है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया कि उस वक़्त जब शैतान की अल्लाह के साथ बहस हो रही थी कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को नहीं छोड़ूंगा, ये आदम की वजह से तूने मुझे जलील करके जन्नत में से निकाल दिया, अब मैं इनके रास्तों में बैठूंगा, इनको दाएं बाएं पीछे आगे से हमले करूंगा, हर तरफ से दुनिया की रौनकें शादाबियाँ लहवो लाभ दिखाकर इनको गुमराह करूंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे कि जैसे यहीं पर हमेशा रहना है, पहाड़ों को तराशेंगे कि जैसे कभी मौत आनी ही नहीं है, मैं दुनिया को खूबसूरत बना दूंगा। और वहाँ शैतान ने एक और बात भी कही थी, वो क्या? वला आमुरन्नहुम फला युगज्जिरुन खल्कल्ला, अल्लाह मैं इनको हुक्म दूंगा, मैं इनको मशवरा दूंगा, मैं इनके दिल में वसवसे डालूंगा। क्या? कि फला युगज्जिरुन खल्कल्ला, ये अल्लाह की तख्लीक को ही बदल डालेंगे। हाय हाय, ये उस ज़माने की बातें हैं जब तक अभी इस दुनिया में इंसान आए भी नहीं हैं। शैतान को जलील करके निकाल दिया है, हज़रत आदम अभी जन्नत में हैं, ये दुनिया इंसानों से अभी भरी नहीं है। ये उस ज़माने में बातें हो रही हैं। क्या कहता है शैतान? वला आमुरन्नहुम, ऐ अल्लाह मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिलों में शुबहात डालूँगा। ये सेनेट के इजलास में एक पीपल्स पार्टी का सेनेटर, एक जनाबे वाला तहरीक इंसाफ का सेनेटर, एक नून लीग का सेनेटर इत्तेफाक करके बिल पेश किया है कारी साहब। और रब दे बंदे हो, जो तुसा किसी चीज़ से इत्तेफाक ही करना है, महंगाई के खिलाफ इत्तेफाक करो, करप्शन के खिलाफ इत्तेफाक करो, कि जेड़ा हुक्मरान जेड़ा एमपी एमएनए आज तो बाद कौम का पैसा चोरी करेगा, जेड़ा फॉरेन फंडिंग करेगा, जेड़ा बाहर दे ममालिक को पैसा मांग के उम्मत विच तफरका पावेगा, उदे खिलाफ असी कानून ले आवांगे, उनू सजाए मौत दिती जाएगी। कोई इंज दा कानून पास करो, मेल के अगर कोई कानून पास किया है तो रब दे कानून दे नाल बगावत करके। इस वास्ते सोशल मीडिया दे उत्ते ये जो पार्टियां हैं ये एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये नून लीग वालों की कारस्तानी है, और नून लीग वाले कहते हैं तहरीक इंसाफ वालों की कारस्तानी है। असल में ये मिली भगत है, बड़ी होशियारी के साथ इस बिल को पास किया गया है चोरी चोरी। और ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ मुआहदे करके आए हैं, मेरा ख्याल ये है कि इस शिक के ऊपर ही करके आए होंगे कि अल्लाह के कानून को जाकर पाकिस्तान में बदल डालो। बात समझ आ रही? तो शैतान ने उस वक्त ये चैलेंज किया था, क्या? वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्कल्ला, अल्लाह मैं इनको हुक्म दूंगा, मर्दों को हुक्म दूंगा कि तुम औरतों की मुशाबहत इख्तियार करो, औरतें बन जाओ,
और औरतों को हुक्म दूंगा तो मर्द बनने की दरख्वास्तें दायर कर दो, और हुक्मरानों के दिलों में ये बात डालूंगा कि वो चोरी चोरी इस कानून को पास कर दें और उम्मत के ऊपर थोप डालें। ये उस वक़्त शैतान ने बात कही थी, आज खुदा की कसम वो बात सच हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जो तेरे यार होंगे उनके ऊपर तो तेरा जोर चलेगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे ख़ास बंदे होंगे तेरा जोर उन पर नहीं चलेगा, लेकिन जो तेरे बंदे और तेरे दोस्त होंगे, जो शैतान के पैरोकार होंगे, वो तो इस बात को मान लेंगे, लेकिन जो रहमान के पैरोकार होंगे वो इसकी मुखालफत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम शैतान के पैरोकार नहीं बल्कि रहमान के पैरोकार हैं। हम भरपूर तरीके से इस बिल की मजम्मत करते हैं, इस कानून की मुखालफत करते हैं। शैतान की बातों में बहकावे में आकर इन लोगों ने कौम के ऊपर एक नई मुसीबत, नया आज़ाब मुसल्लत कर दिया है। बात समझ आ गई? और अल्लाह के कानून को छेड़ना यह बहुत बड़ी जसारत है। मैं रात भी इशा के बाद ये बात कह रहा था कि यकीन जानिए, अल्लाह अपनी पनाह अता फरमाए, हिफाजत अता फरमाए, इस वक्त हमारे ऊपर अजाब आने में ये बिल काफ़ी है। ये तो मेरे आका की दुआओं का नतीजा है कि फिर हम सुबह सवेरे जिंदा सलामत उठ खड़े हुए, वरना अल्लाह का अजाब आने में कुछ भी बाईद नहीं रहा। जिस मुल्क में इस्लाम के कानूनों को छेड़ा जाए, बगावत की जाए, अल्लाह के कुरान के साथ अदावत की जाए, दुश्मनी की जाए, वहाँ बरकतें नहीं, वहाँ रहमतें नहीं, वहाँ सैलाब और जलजले आया करते हैं, वहाँ घरों में रहमतें नाजिल नहीं होती, वहाँ माशी बहरान आते हैं, वहाँ रिजक और एनाज की किल्लत पैदा होती है। कभी आटे का बहरान आएगा, कभी लोड शेडिंग का बहरान आएगा, कभी जनाबे वाला रिजक का बहरान आएगा, कभी तेल का बहरान आएगा। हम इन बहरानों में से कभी नहीं निकल सकते जब तक हमारी अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के साथ वफादारी नहीं होगी। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? इतनी बड़ी जसारत, इतनी बड़ी नालायकी। अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह है इन लोगों से। कैसे लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। अब क्या है, तवज्जो कीजिएगा, कानून क्या है कि मर्द औरत रजिस्टर्ड हो सकती है और औरत मर्द बनकर रजिस्टर्ड हो सकता है। एक दूसरे के प्रोग्रामों में, शादी ब्याह में, खलवतों में, जलवतों में लड़की लड़के के साथ फिर सकती है और कहेगी कि मैं तो लड़का हूँ, ये देखो लड़कों वाला लिबास है मेरा। शादी ब्याह में लड़का लड़कियों की मजलिस में चला गया, ओ भाई यहाँ तो लड़कियाँ हैं, वो कहेगा कि खबरदार, ये देखो शनाख्ती कार्ड, मैं इसके ऊपर मेरी जिन्स औरत है। बड़ी खराफात है, इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा अभी। और सबसे बड़ी जो खराफत और मुसीबत और फसाद आएगा वो ये है कि नजायज़ हम जिन्स परस्ती बढ़ जाएगी। यानी मर्द मर्द के साथ जिन्सी तस्कीन हासिल कर सकेगा, औरत औरत के साथ जिन्सी तस्कीन हासिल कर सकती है। दो लड़कों में से एक मर्द बन गया और एक औरत बन गई, समझ रहे हैं बात, कानूनी तौर पर, और वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे और बदफेली करेंगे। ये बिल का मकसद है। दो औरतें, एक ने जाकर अपने आप को मर्द रजिस्टर्ड करवा दिया, दूसरी औरत रही, वो दोनों मर्द और औरत आपस में शादी कर सकेंगे। औरतें, दो औरतें आपस में मियां बीवी बनकर जिन्सी तस्कीन हासिल कर सकेंगी। कैसी लानत है ये, कैसी बेगैरती और हठधर्मी है ये। पता नहीं जमीन क्यों नहीं फटी इन ऐसा कानून लिखने वालों पर, ऐसा एक्ट बनाने वालों पर।
आसमान का टुकड़ा क्यों नहीं गिरा ऐसे लोगों के ऊपर। अब ज़रा कुरान की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किया, वक्त मुख्तसर है, हदीस पाक की रोशनी में भी चंद मारूजात मैं पेश कर दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अखूफा अखाफु अला उम्मती अमलु कौमि लूतिन। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के ऊपर डर है कि आने वाले ज़माने में कौम लूत वाले फेल में मुबतला ना हो जाएं। ये वही चक्कर है ना, दो लड़के एक मर्द बन गया एक औरत बन गई, दोनों की शादी हो गई, और ऐसे केस सामने आ भी चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 30,000 से ज़्यादा नादरा को दरख्वास्तें मौसूल भी हो चुकी हैं, 30,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं नादरा को। आने वाले वक्त में क्या होगा अगर हमने इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाया तो, हमारी नस्लों का क्या हाल होगा, अल्लाह ही मुआफ़ फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे डर है मेरी उम्मत के ऊपर कि कहीं कौम लूत वाले फेल में मुबतला ना हो जाएं, बदफेली वाले फेल में मुबतला ना हो जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अब तो इस चीज़ को कानूनी हैसियत दी जा रही है। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस सुनिए, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अनस रजी अल्लाह तआला قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استعملت امتي خمسا فعليهم الدمار। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत पांच चीज़ों में मुबतला हो जाएगी तो फिर अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाजिल होगा। कितने चीज़ों में मुबतला होगी, पांच चीज़ों में मुबतला होगी जब मेरी उम्मत, तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा उनके ऊपर। ये सैलाब की तबाहकारियाँ आएंगी, करोना आ जाएगा, जलजले और आफतें मुसीबतें आ जाएंगी। आज गरीब हर रोज़ मर रहा है, ये भी तो अजाब है, महंगाई का अजाब आएगा अल्लाह का जब पांच चीज़ों में मुबतला हो जाएगी मेरी उम्मत। अब आपने देखना है कि इस वक्त ये पाँच चीज़ें पाई जा रही हैं या नहीं। नंबर एक, फ़ीहिम तलाउन, एक दूसरे के ऊपर लानतें करना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे के ऊपर लानतें बरसाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौच देना, ये चीज़ बढ़ जाएगी। वलुबसुल हरीर, और लोग रेशम का लिबास पहना करेंगे, रेशमी लिबास आज पहने जा रहे हैं, ये जो हमारे अदाकार हैं ये सारे रेशमी लिबास कई पहनते हैं, रेशमी लिबास पहनेंगे मर्द। और वत्तखदुल कईनाथ, मजलसों में महफिलों में लोग गाने बजाने वालियां लेकर आया करेंगे, मेहंदी में बारात में और वलीमे में गानों के डेक लगे हुआ करेंगे, गाने बजाने वालियां आया करेंगी, नाचने वाली आया करेंगी। अल्लाह अल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों ने खून देकर इस मुल्क को हासिल किया था, और हमारी हुकूमत का हाल देखें, 14 अगस्त को औरतों को नचा नचा कर उन्होंने 14 अगस्त मनाई। ऐसे ही है ना, आप लोगों ने देखा है, अखबार में भी पढ़ा है। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि वत्तखदुल कईनात, गाने बजाने वालियों की कसरत हो जाएगी। इमाम मस्जिद की कितनी तनख्वाह है जी, भाईजान आप हंस रहे हैं, और गाने बजाने वाली को एक रात का लाखों रुपया दिया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے شادی اور بیاہ کی تقریبات میں، حکومتی ادارے اپنی تقریبات میں، سیاسی پارٹیوں میں گانے بجانے والیوں کی ناچنے ناچنے والیوں کی، گانے بجانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں۔ چوتھی چیز، واکتف الرجال بالرجال، یہ ہے ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق، مرد مرد کے لیے کافی ہو جائے گا، مرد اپنی جنسی تسکین مرد سے حاصل کرے گا، اور والنساء بالنساء، نمبر پانچ، عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کریں گی۔ یہی تو قانون پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر، کہ لڑکا دو لڑکے، ان میں سے ایک لڑکی بن کر دوسرے لڑکے سے شادی کر لے گا، دو عورتیں ایک لڑکا بن کر لڑکی سے شادی کر لے گی۔ یوں لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکے کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کریں گی۔ یہی تو میرے پیغمبر نے فرمایا، جب ایسا ہو جائے تو اللہ کے عذاب کے لیے کسی بھی وقت تیار رہو۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا، اج اگر اسی یہ نہ حکمراناں دا گریبان نہ پھڑیا تے کل نو اساں بھی انہاں دے نال عذاب چ روڑ جانا ہے۔ یاد رکھو، کل ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کو جھنجھوڑنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو پیغمبر کی حدیثیں سنانی پڑیں گی کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، یہود و نصارہ کو پوجنا چھوڑ دو، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ یہ ان کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ کل عذاب آئے گا، پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تقوم الساعۃ حتی یتصافد الناس فی الطرق کما یتصافد الدواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک جس طرح جانور راستوں میں کھڑے ہو کر جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ راستوں میں کھڑے ہو کر جنسی تسکین حاصل کریں گے، اور اسی طریقے سے یستغن الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قوانین بنا بنا کر، ایکٹ لگا لگا کر، مرد مرد کو مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کریں گی۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہم کس دور میں جی رہے ہیں، یقین جانیے۔ اور میں اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے حکمرانوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ کام تو قوم لوط نے بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے اس سے آدھا کیا تھا، وہ صرف مرد مرد تک رہا تھا، انہوں نے تو دو عورتوں کی آپس میں شادی کروا دی، قانون پاس کر دیا۔ تو جانتے ہو قوم لوط پر پھر عذاب کیسے آیا اللہ کا؟ حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو، 30,000 سے زیادہ اب تک درخواست نادرہ کو موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے 16,000 سے زیادہ مرد ہیں جنہوں نے عورتیں بننے کی درخواستیں پیش کر دی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ ہوش کے ناخن لو، کس طرف تم جا رہے ہو؟ یہود و ہنود کو خوش کرنے کے لیے رب کے قانون کے ساتھ بغاوت نہ کرو۔ یہ دیکھو اللہ کا قرآن ہے، اس میں سے صرف آدھا قانون لے کر آئے تھے قوم لوط، کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، اللہ کے قانون کے ساتھ عداوت کی، حضرت لوط سمجھاتے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ قانون پاس کر لیا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر، اب
मर्द मर्द के साथ जिनसी तस्कीन हासिल करेगा, हमें कोई मना नहीं कर सकता। हजरत लूत समझाते रहे, आओ हुक्मरानों, ये देखो अल्लाह का कुरान सुनो, काश के तुम्हें गैरत आ जाए, और फिर झूठ बोलते हैं। सहाफ़ियों को खड़े करके, उनको पैसे देकर, वकीलों को खड़े करके, सोशल मीडिया के ऊपर अपने एजेंटों को खड़ा करके झूठ बोला जा रहा है कि ये तो हमने सिर्फ हिजड़ों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए कानून बनाया है। एनी फर्ज, हर एक के लिए ये कानून है। इनके बहकावे में ना आना, ना इन्होंने दुनिया हमारे पल्ले छोड़ी है, ना अब ये दीन हमारे पास रहने देंगे। इन्होंने हमारी मईशत को बर्बाद किया, अब ये हमारे दीन को बर्बाद करने की तरफ आ चुके हैं। यकीन जानिए, काफिरों को, अमेरिका को, इसराइल को हमारे साथ जंग करने की कोई लोड़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो काफिराना कानून हमारे अंदर अपने राज करना शुरू कर दिए, और हमारे हुक्मरान इस्तेमाल हो गए, और ऊपर से झूठ बोलते हैं। हुक्मरानों, गैरत करो, ये देखो अल्लाह का कुरान सीखो। जिन्होंने ये ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पर सिर्फ आधा कानून पास किया था कि मर्द मर्द के साथ जिनसी तस्कीन हासिल कर सकता है, तो मेरे रब ने उनके साथ क्या हशर किया। कुरान पाक में बीसियों मकामात पर ये वाकया मौजूद है। मैं सिर्फ एक सूरत से ये वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने 12वां पारा और सूरत हूद है। अल्लाह फरमाता है सूरत हूद में, फरमाया وجاءه قومه يهرعون إليه ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب। قوم لوط ने ये कानून पास किया कि मर्द, एक मर्द औरत की जगह पर आएगा, दूसरा मर्द ही रहेगा, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ जिनसी तस्कीन हासिल कर सकेगा। ये कानून पास किया और हजरत लूत के साथ बगावत की। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते आ गए इंसानों की शक्ल में, ये आखिरी आजमाइश थी उनके ऊपर। बड़े खूबसूरत इंसान हैं, नौजवान हैं, उन्होंने तो कानून पास किया हुआ था। वो कहने लगे कि हम इनको औरतों की जगह पर रखकर इनसे तस्कीन हासिल करेंगे। वजाहु कौमुहु युहरऊना इलैही, वो हजरत लूत के घर की तरफ दौड़े हुए आए। हजरत लूत ने बड़ा समझाया उनको। वमिन कबल कानू यामलून सय्यात, इसके अलावा भी उनमें बुराइयां पाई जाती थी, लेकिन ये ऐसी बुराई थी कि कौम लूत से पहले कभी भी जहान वालों में ऐसी बुराई किसी ने नहीं की थी। काला या कौमी हाउलाई बनाती, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरी कौम के लोगों, शर्म करो, ये जो तुम्हारे घरों में मेरी बेटियाँ हैं, यानी तुम्हारी बीवियाँ, ये जो बीवियाँ औरतें हैं, ये नबी की रूहानी बेटियाँ होती हैं, ये माना है इस आयत का। ये जो मेरी बेटियाँ हैं, यानी जो तुम्हारे घरों में तुम्हारी बीवियाँ हैं, अगर जिनसी तस्कीन हासिल करना चाहते हो तो उनके साथ जाकर हासिल करो, मेरे मेहमानों को रिसवा न करने की कोशिश करो। लेकिन वो कहाँ थे मानने वाले, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। ओ हुक्मरानों, मैं भी पढ़ता हूँ, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। हजरत लूत की बात को दोहराता हूँ मैं, अल्लाह से डर जाओ। वला तुखजूनी फी ज़ईफी, हजरत लूत फरमाने लगे, मेरे मेहमानों में मुझे रिसवा ना करो। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में से कोई समझदार आदमी नहीं है। ओ हुक्मरानों, क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है, क्या किसी में कोई गैरत नहीं है। कालू लकद अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक, कौम कहने लगी, ऐ नबी, तू जानता है जिनको तू अपनी बेटियां बोलता है, यानी हमारी बीवियां, इनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चलता गया, टाइम थोड़ा है। अल्लाहु अकबर, अजाब का दिन आ गया। फरमाया, ऐ मेरे पैगम्बर लूत,
आप अपने मानने वालों को अपने साथ लेकर सहरी के वक़्त अपनी बस्ती से जुदा हो जाएं, आपकी बीवी भी पीछे रह जाएगी। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रातक, कोई बंदा भी तुम में से मुड़कर ना देखे। अभी तुम जा ही रहे होगे कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा इनके ऊपर। और हुक्मरानों सुनो, ये ट्रांसजेंडर एक्ट का एक हिस्सा को मैं लूत ने पास किया था हजरत लूत के कानून के खिलाफ, रब के कानून के खिलाफ, तो उनका क्या हशर हुआ। अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, फलम्मा जा अमरुना जालना आलियहा साफिलाहा, हमने उनके ऊपर ऐसा अजाब भेजा कि फरिश्ते को भेजा, उन्होंने उनकी बस्ती को यूं नीचे से उठाया, अपने परों पर आसमानों के ऊपर ले गया। रिवायात में आता है कि गिद्धों की, जानवरों की चीखने की आवाज़ें आसमान वाले फरिश्तों ने सुनी, इतनी ऊंची ले गए बस्तियों को उठाकर कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की आवाज़ें आसमान के फरिश्तों ने सुनी। वहाँ से हुक्म हुआ, फलम्मा जा अमरुना जालना आलियहा साफिलहा, हुक्म हुआ कि ऐ मेरे फरिश्ते, इनको यूं नीचा उल्टा दो, इनकी बस्तियों को उल्टा दो। वो नीचे धंसे गए पानी में, पानी में धंसे गए। अल्लाहु अकबर, मेरे अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वह अम्तरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंजूद, फरमाया उसके बाद उनको ऐसा अजाब दिया गया कि जहान वालों में उनके अलावा ऐसा अजाब किसी को नहीं दिया गया, इतना दर्दनाक कि ऊपर से बस्तियों को उठा के नीचे फेंक दिया उल्टा करके, वो ज़मीन में धंसती गई, हत्ता के पानी में चली गई, जहाँ आज जिसको बहीरा मुर्दार और बहीरा मैयत कहा जाता है, उर्दन के इलाके में आज भी वहाँ मौजूद है बहीरा मुर्दार। उस समंदर में उनकी बस्तियाँ धंसती गई नीचे की तरफ। अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वह अम्तरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंजूद, अल्लाह ने आसमानों से बड़े बड़े पत्थर बरसाए जो आगे से नोकदार थे, पीछे से बड़े बड़े पत्थर थे, चौड़े चौड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। और मुसव्वमतन इंद रब्बिक, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, तेरे रब की तरफ से वो निशान ज़दा थे। एक एक जालिम, एक एक मुजरम के लिए पत्थरों के ऊपर नाम लिखा हुआ था, जिसका निशान था वो उसी को जाकर वहाँ लगता। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, अगर इस बिल को तुमने वापस ना किया, इस कानून को मुस्तरद ना किया, अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रह जाओ। मैंने कुरान पाक में भी यही मसला बयान किया, कुरान से भी यही मसला बयान किया, हदीस से भी यही मसला बयान किया। क्या हो गया है इन लोगों को, दो टकों के लिए, दो रुपयों के लिए अल्लाह के कानून को, अल्लाह के दीन को बेच डाला है। कि कोई भी मर्द औरत बन सकता है, कोई औरत मर्द बन सकता है। अब आप समझेंगे, कोई कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, और झूठ क्या बोलते हैं कि ये हमने ख्वाजा सराओं के लिए बिल पास किया। ना ना, एनी फर्क, हर एक के लिए ये कानून है। अब क्या होगा अगर ये कानून जारी हो जाता है, कानूनी सर्टिफिकेट लोगों को मिल जाता है, तो होगा ये कि लड़की अदालत में जाकर केस कर सकती है कि मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ, मुझे विरासत में अपने भाई के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह के कानून, यानी लफ्ज़ एक बड़ा कुफर होशियार है, और जिसने अपने एजेंटों को इस्तेमाल करके ये कानून पास किया है, बड़ा काफिर होशियार है वो, लफ्ज़ एक है। लेकिन इससे जो खराबियाँ पैदा होंगी, नंबर एक, विरासत का मसला बर्बाद होगा। नंबर दो, तालीमी इदारों में लड़के लड़कियों के अंदर बैठ सकेंगे और लड़कियां लड़कों में बैठ सकेंगी। वो कहेंगी कि हम लड़के, वो कहेंगे कि हम लड़कियां। फहाशी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये चीज़ें चलेंगी। और नंबर तीन, लड़कों की मुलाजमतें लड़कियां लेंगी, लड़कियों की मुलाजमतें लड़के लेंगे, और महकमों में इकट्ठे काम करेंगे,
और इसी तरीके से कानूनी तौर पर कोई लड़की लड़का बनकर अगर इमाम मस्जिद लगना चाहे तो वो लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून ने उसको लड़का बना दिया है। और इसी तरीके से ये जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं, लड़के लड़कियों में, लड़कियां लड़कों में, और इसी तरीके से माँ बाप के अंदर माँ जो है वो बाप की जगह ले सकती है, बाप माँ की जगह ले सकता है। और इसी तरीके से घरों में विरासती झगड़े आम हो जाएंगे। औरत कहेगी कि मैं मर्द हूँ, ये मेरे पास शनाख्ती कार्ड, और मर्द कहेगा कि मैं औरत हूँ। और इसी तरीके से शादी ब्याह और तकरीबात के मामलात में लड़कों को ये गुंजाइश होगी कि अपने आप को लड़की शो करवा कर लड़कियों की मजलिस में जा सकें। और जहाँ लड़के आएंगे, बकरियों में जब बकरा जाएगा तो क्या गुल खिलाएगा। इसी तरीके से निकाह के ऐन वक्त दुल्हन ये कह सकती है, निकाह के ऐन वक्त दुल्हन ये कह सकती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। भाई क्यों तू शादी नहीं करेगी, वो शनाख्ती कार्ड दिखाएगी, मैं तो लड़का हूं। ये कानून में शिक्के नहीं है, लेकिन दर पर्दा ये हकायक हैं। अगर मर्द औरत बन जाए और औरत मर्द बन जाए तो ये होगा सब कुछ। और इसी तरीके से औरतें मर्द बनकर निकाह तोड़ेंगे, और इसी तरीके से अदालतों में गवाही देने के लिए मर्दों की जगह पर औरतें जा सकेंगी। और सबसे बड़ी जो खराफात आएंगी, फसादात आएंगे, वो कौम लूत वाला फेल आम होगा। और मैंने आपको हदीसें सुनाई हैं जिनमें यह है, अल्लाह का कुरान सुनाया है जिसमें साफ तौर पर यह आया है कि जिसने लवातत की, जिसने बदफेली की, अगर किसी औरत ने औरत के साथ जिनसी तस्कीन हासिल की, अगर किसी मर्द ने मर्द के साथ जिनसी तस्कीन हासिल की, तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का कहर नाजिल होगा। करोना से ज़्यादा सख्त वबाएँ आएंगी, सैलाब से ज़्यादा सख्त अजाब आएंगे, जलजलों से ज़्यादा सख्त आफतें आएंगी, महंगाई से ज़्यादा सख्त अजाब आएंगे, जलील किस्म के मजीद हुक्मरान आएंगे, कभी भी ये मुल्क नहीं समझ सकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम नंबर एक अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में जिस तरह एक चिड़िया कहते हैं, एक चिड़िया ने अपनी चूंच में एक कतरा लिया, आतिश नमरूद को बुझाने के लिए चली गई। किसी ने पूछा, इतनी बड़ी आतिश, इतनी बड़ी आग, तो तेरे एक कतरे से क्या फ़ायदा होगा। चिड़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगी, मुझे भी पता है कि मेरे एक कतरे से कोई फ़ायदा नहीं होगा आग को, लेकिन रब के दरबार में मेरा नाम तो दर्ज हो जाएगा कि मैं इब्राहिम से मोहब्बत करती हूँ। नंबर एक, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है अल्लाह के दरबार में। ए अल्लाह, जिस तरह शैतान ने तुझे चैलेंज किया था कि वला आमुरन्नहुम फला युगज्जिरुन्न खल्कल्ला, कि ए अल्लाह, तूने मुझे आदम की वजह से जन्नत से जलील करके निकाला है, मैं इब्ने आदम के रस्तों में बैठकर इनको ये तरगीब दूंगा, इनको ये हुक्म दूंगा कि लड़के लड़कियां बन जाएं, लड़कियां लड़के बन जाएं, अल्लाह की खलकत को, अल्लाह की खिलकत को, अल्लाह की फितरत को तब्दील कर डालें। अल्लाह ने कहा था, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ऐ अल्लाह, हम ये बताना चाहते हैं, हम ये अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं कि अल्लाह, हम तेरे कानून के साथ, तेरे नबी के साथ, तेरे कुरान के साथ, तेरी शरीयत के साथ मोहब्बत करने वाले रहमान के बंदे हैं, शैतान के बंदे नहीं हैं। मेरी बात का साथ देते हैं कि नहीं, मेरी बात का साथ देते हैं? और इसी तरीके से ये दिखाएं, आवाम को दिखाएं सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि हुक्मरानों को गैरत आए। नंबर दो, मेरे साथ हाथ उठाकर एहतजाज कीजिएगा कि हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं कि इस मज़मूम कानून को मुस्तरद किया जाए, इस बिल को वापस किया जाए,
क्योंकि ये ऐसा कानून है जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आ सकता है, ये ऐसा कानून है जिसकी वजह से कौम लूत की बस्तियां आसमानों पर ले जाकर नीचे फेंक दी गई, ये ऐसा अजाब है कि कौम लूत की वजह से कौम लूत को फिर निशान ज़दा पत्थर लगाए गए। और हुक्मरानों गैरत करो, इस कानून को मुस्तरद कर दो वरना फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि नहीं, हाथ खड़ा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए। दोबारा उमर साहब कह रहे हैं, दोबारा ये कैमरे में अपना हाथ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जी, सब साथी दोनों हाथ इकट्ठे करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और हम अपने हुक्मरानों से इल्तिजा करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।